जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो उसे सत्ता पक्ष की बुराई खूब दिखती है, लेकिन जब वही विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भी कमोबेश वही काम करती है जो उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करने का आरोप उस पर लगा था। आम आदमी पार्टी हमेशा से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि भाजपा ने कलम को गुलाम बना रखा है, किसी को भी लिखने या बोलने की आजादी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि बीजेपी की राज में प्रेस की आजादी खतरे में है, देश के चौथे स्तंभ को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जब यही आरोप पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर लगे तो क्या सूचना मंत्री, क्या मुख्यमंत्री और क्या प्रवक्ता, जो हल्के विपक्षी हमले पर भी घड़ी घड़ी प्रेस वार्ता कर राजनीतिक हमला करने से जरा भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन जब विपक्ष ने मान सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि मान सरकार मीडिया के विज्ञापन पर रोक लगाकर उन पर अप्रत्यक्ष दबाव बना रही है, मीडिया संस्थान मान सरकार की नाकामी ना दिखाए। अब मान सरकार ने विज्ञापन का खौफ पंजाब के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार पंजाबी ट्रिब्यून को दिखाया है और ये पहला मौका नहीं है जो मान सरकार ने ऐसा किया हो। ट्रिब्यून से पहले मान सरकार विज्ञापन का खौफ पंजाब से निकलने वाले दूसरे सबसे ख्याति प्राप्त अखबार अजीत को भी दिखा चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जो स्वतंत्र मीडिया की वकालत करने वाले लोगों की ही सरकार ने मीडिया प्रत्याशित दबाव डालना शुरू कर दिया है। पंजाब में पंजाबी ट्रिब्यून और अजीत अखबार की खास पैठ है। दोनों ही अखबारों ने जब मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ तार्किक सामग्री का प्रकाशन शुरू किया और पेड न्यूज न छापने का निर्णय लिया तो आनन फानन में दोनों अखबारों के विज्ञापन क्रमशः रोक दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी विरोध में तथ्यात्मक खबरें चलाने के लिए सबक सिखाते हुए एक चैनल ऑन एयर के मालिक और संपादक के खिलाफ पॉस्का सरीखा सख्त एक्ट लगाकर पुलिसिया रौब से खौफजदा करने की कवायद की गई। इस पूरे प्रकरण पर राज्य के प्रभावशाली लोक संपर्क मंत्री अमन अरोड़ा कमोबेश खामोश हैं और फिलवक्त यही कह रहे हैं कि अधिकारियों से बैठक करेंगे, जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे किया गया। अरोड़ा का कहना है कि जब ये सब कुछ किया गया तो वो देश से बाहर विदेश में थे। साफ जाहिर है कि अजीत समूह और ट्रिब्यून ग्रुप की बेबाक निष्पक्ष और जनपक्षीय पत्रकारिता रत्ती भर भी उन्हें रास नहीं आई। आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है कि कमजोर मीडिया बेजान लोकतंत्र पैदा करता है। मान सरकार को समझना चाहिए कि पत्रकारिता का असली धर्म है जनता की असल समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाना। वहीं पंजाब के इन अखबारों पर मान सरकार द्वारा विज्ञापन रोकने या उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मान सरकार पर निशाना साधा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।